उसे सारी रात ढूंढते रहे। पता है वो मिली कहाँ? कहाँ? अपने बछड़े के पास। बालपन के वो दिन बहुत याद आते हैं। तो हाँ काना, बालपन के उन दिनों में यदि किसी एक चीज का मुझे बहुत याद आती तो वो है हमारा माखन चुराना। याद है ना काना? हमें भी माखन खाना है। चुराकर तुमने अपने ग्वाल मित्रों को खिलाया गोकुल में कान्हा, अब मथुरा के मित्रों को खिलाओ चुराया हुआ माखन। चुराकर खाए हुए माखन का स्वाद ही अलग होता है मित्रों। चलो माखन खाते हैं चुराकर। कान्हा तुम्हें याद है एक बार वृंदावन में क्या हुआ था? ये कैसा वृक्ष है? पहले तो ऐसा वृक्ष कभी नहीं देखा। वृक्ष की ऐसी प्रजाति तो देखी नहीं, अलग ही है ये तो। चलो समीप से देखते हैं इस वृक्ष को। रुको, वृक्ष जैसा दिखता तो है परंतु आवश्यक नहीं कि वृक्ष ही हो। कोई खतरा, कोई शत्रु भी हो सकता है। जब श्री कृष्ण हमारे साथ है तो क्या शत्रु या खतरे का डर? चलो चलकर देखते हैं इस वृक्ष को। मेरे सहारे अपने जीवन को संकट में डालना समझदारी नहीं है मित्र। कार्य वही करना चाहिए जो हमारी क्षमता का हो। अपने बल पर घमंड करना शत्रु को मजबूत करना होता है। चलो अपनी सेहत बनाते हैं, चुराया हुआ माखन खाते हैं। अब इस वृक्ष और माखन के बीच चयन करना हो तो हमें माखन ही खाना है, वो भी चुराया हुआ। आप लोग यहीं रुकिएगा, यदि कोई आए तो चिड़िया की आवाज निकाल के मुझे पुकार देना, मैं माखन चुरा कर आता हूँ।